सब्सक्राइब करो पंजाबी रियल टीवी ट्रेलविन अप द नप द हेलो पीपल माय नेम इज सनवीर सिंह एंड शी इज दिलप्रीत कौर सशिकाल सो गाइस की हाल चाल है तोडे सब ठीक रखो असि भी बहुत वधिया थैंक्स फॉर आस्किंग सो आज दी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है ए मेनू नहीं पता इन्होंने मेरे नाल आए करके क्यों देखा बट एनीवेज आज दी वीडियो देखांगे आपा जो कि हैगी अबाउट When Aamir Khan film star met Maulana Tariq Jameel ठीक है जी वेरी फनी बयान है ये काफ़ी जन की रिक्वेस्ट आ रही है क्योंकि अपने नाल दी कम्यूनिटी के लोग जेडे इतने रिएक्शन दे रहे हैं सो फिर जेडे लोग आप भी कमेंट कर लग जाते हैं कि तुम भी इतने रिएक्शन दो है ना जी ठीक है फिर तो बंदे ही सियाक या सो वीडियो शुरू करने से पहले यार अपने चैनल सबसक्राइब शुरू कर दो जो नवे आ गए हैं वो भी सबसक्राइब कर दो एंड जरा बेल आइकन बनाने भी प्रेस कर दो सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करांगे हियर वी गो आमिर खान से मेरी मुलाकात हुई मैंने उसको कोई दीन की बात नहीं की सिर्फ मोहब्बत अब तक उसके मैसेज आते का मैं जिंदगी में किसी से मुतासर नहीं तुम पहले आदमी हो जिससे मैं मुतासर हूं मैंने कोई जादू के सिर्फ मोहब्बत मोहब्बत लोगों को मोहब्बत दो करीबों मैं जब गया बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने मुलाकात का कोई रास्ता नहीं था वो मुझे नहीं जानता था मैं उसे नहीं जानता था तो कोई मौका नहीं मिल रहा था मुलाकात का तो अल्लाह ने शाहिद अफरीदी को भेज दिया शाहिद अफरीदी उसकी दोस्ती थी हमारा जो क्रिकेटर है मैंने उससे फोन पर कहा यार मेरी मुलाकात तो करा उसने मुलाकात करवाई तो उसने मुझे कहा आधा घंटा है आधा घंटा जब मैं पहुंचा मैक्सिमम पौना घंटा ठीक मैं गया तो वो सहमा हुआ चेहरा मौलाना आ गया पता नहीं क्या कहेंगे भाई ये तो क्या कर रहा है तो हराम कर रहा है नाच रहा है गा रहा है तौबा कर अभी तेरे लिए दोज़ख का फैसला हो जाए तो मेरा एक दौर कॉलेज लाइफ था मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं 3 दिन के लिए मैं उस दोस्त को उसकी नस्लों को दुआएं देता हूँ जो मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले गया ना मेरा तबलीग से कोई ताल्लुक ना वास्ता ना मैं कोई उनसे मुतासर एक लड़का था बंगाली था गश करता था लेकिन मैं उससे जरा मुतासर नहीं हुआ मेरा दोस्त मुतासर हो गया था तो मैं तो उनके करीब से नहीं गुजरता था तो वो और मैं स्कूल में इकट्ठे आ रहे थे कॉलेज में इकट्ठे आ रहे थे तो वो मुतासर हुआ वो 3 दिन के लिए जा रहा था तो मुझे बताए बगैर मेरा हाथ पकड़ के ले गए मुझे काम है चलो मेरे साथ और मैं उसको इनकार नहीं कर सकता था ये मेरा उसका ताल्लुक अब भी उसी तरह भाइयों जैसा ताल्लुक मैं उसका एहसान मान मुझे जबरदस्ती ले गया हमारे पंजाबी की मिसाल है कुब्बे नु लत लगी सीधा हो गया वो जो होता है हंच बैग होता है उसको किसी ने लात मारी तो सीधा हो गया मैं मेहरबानी भाई तेरी लात से मैं सीधा हो गया तो मुझे तो कुब्बे वाली लत पै गई तो अल्लाह ने मुझे ये भी पंजाबी लगते हैं ना जब मेरी कॉलेज लाइफ मैंने कॉलेज का बेहतरीन सिंगर था स्कूल का बेहतरीन जुना जमशेद क्या है जो उस जमाने में ये सारा को ठाठाइया मैंने सारा किया है तो अब वो बेचारा ऐसे बैठा हुआ तो मैंने उससे बैठते ही फिल्मों की बातें शुरू कर दी तो थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि फ्रॉम 60 to 72 जो फिल्म इंडस्ट्री को जितना मैं जानता था उतना वो नहीं जानता तो उसके ऊपर मेरे इलम का रोग पड़ गया उसकी लाइन का इलम था तू तो हैरान परेशान ये वास तो हो रहे तो कभी दिलीप कुमार की बातें शुरू हो गई कभी राज कपूर की शुरू हो गई कभी महबूब साहब शुरू हो गए कभी मदन मोहन शुरू हो गए वो आधा घंटा तो यूं गुजर गया तो आधे घंटे के बाद मैंने कहा जी हमारा तो टाइम ओवर का नहीं उठे चले उधर चल के बैठते हैं खाने के टेबल पर तो वहां जाकर बैठ गए फिर वही बातें शुरू हो गई जब उसका सारा खौफ दूर हो गया और रिलैक्स हो उसमें 45 मिनट गुजर गए थे तो फिर मैंने कहा आमिर भाई आप हज पे आए हैं अगर आप इजाजत दें तो आपको अपने नबी का हज सुना कहने हाँ जी जरूर सुनाई फिर मैं 1.25 घंटा बोलता रहा और वो ऐसे करके यहां से वो यूं नहीं हुआ 1.25 घंटा ऐसे बैठ के वो इतना ही बहते हैं ना आमिर खान लोग मोहब्बत के तुम फतवे देना शुरू कर देते 2 घंटे की मुलाकात के बाद जब हम निकले तो नीचे तक छोड़ने आए आमिर खान
आज के बाद मैंने कहा एक मुलाकात और हो जाएगा, जरूर होगी। फिर उसका मैसेज आया कि मैं मदीने चला गया हूँ, माजरत चाहता हूँ। मैंने कहा मैं मदीने आ जाऊंगा, मैं मदीने पहले हो आया था हज से पहले। तो उसने कहा कि आप 14 तारीख को आ जाएं, 4 से 6 का टाइम मैंने आपके लिए रखा है। तो मैं जुनैद और एक और साथी हम दोबारा वहां चले, 4 बजे 4:15 हम उसके साथ हमारी चटन शुरू हुई। 4:15 से 10:15 तक 6 घंटे मुसलसल, और उसके माथे पे जरा निशान नहीं आया। 2 घंटे और उसके बाद हम उठे, उसका जी नहीं चाह रहा था कि हम उठ के चले। मोहब्बत पर एक इम्तिहान पड़ गया। मैं इज्तिमा में था प्राइमेंट के पिछले साल, उसका मैसेज आ गया मेरी फिल्म तलाश आ रही, उसकी कामयाबी की दुआ करो। चंगी बनी पंजाबी विच बोल दो। अब क्या करो, जवाब देना भी जरूरी, दुआ भी नहीं हो सकती, क्या करो। तो जब वो मैसेज आया तो मेरे सामने कोई 10-12 उलमा बैठे थे। मैंने कहा भाई ये मैसेज है, इसका जवाब बक्का जी, हमारा फील्ड नहीं तुम्हारा है, तू ही जवाब दे। मैं सारा दिन सोचता रहा, मुझे कोई जवाब समझ में नहीं आया, कि जान भी बच जाए जवाब भी चला जाए। तब अगला दिन भी गुजर गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं असर का वजू कर रहा था, एकदम अल्लाह ने एक मजमून दिल में डाला। तो मैंने फौरन बैठ कर उसको मैसेज किया कि अमर भाई जो क्रिएटिव होता है ना जहन, ये अल्लाह किसी किसी को देता है, तखलीकी जहन ये अल्लाह ताला किसी किसी को देता है, हर एक को नहीं देता, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी अता होती है। और मैंने तुम्हारा साथ जो वक्त गुजारा उसमें देखा कि अल्लाह ने तुम्हें तखलीकी जहन दिया है, तुम क्रिएटर हो। और जो लोग इस लाइन पर होते हैं वो कामयाबी नाकामी की परवाह नहीं करते, वो अपने काम से काम रखते हैं। आपका भाई। तो फौरन उसका मैसेज है, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। बात हो गई, फिर मैं था हांगकांग, मैंने वहां से उसको मैसेज किया, देखो किसी मसरूफ आदमी को बड़ा रास फोन ना किया करो, मैसेज किया करो कि मैं आपको फोन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसका बहुत सताया हुआ। तो मैंने उसे मैसेज किया कि मैं तारिक जमील हांगकांग हूँ, आपको फोन कर सकता हूँ, मैं आपको फोन कर सकता हूँ। मैं हमेशा उसे, अब भी मेरा फोन पर रब्ता, मैं पहले उसे मैसेज देता हूँ मैं आपको फोन कर सकता हूँ, अगर उसका जवाब ना है फिर मैं नहीं करता हूँ। कभी वो खुद कर लेता है, कभी वो मैसेज दे देता है कॉल कर लो। तो थोड़ी देर बाद उसका फोन आ गया, क्योंकि मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ, कॉन्फ्रेंस में था, मैंने आपका मैसेज देखा था, मैं उठ के बाहर आ गया हूँ, अभी आपसे बात करके फिर मैं जाऊँगा। तो उसे बातें करते करते कहने लगा आपकी दुआ से मेरी फिल्म कामयाब हो गई। मैं यार मैं कोई नहीं पीती थी। भाइयो मोहब्बतें बांटो, नफरत तो पहले ही बहुत फैल चुकी है यार। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरते को थाम ले सब। वाह नाइस यार, ये सी गाइस आज दी वीडियो, एंड इन्होंने वीडियो दे विच बड़े अच्छे विचार दित्ते कि जेकर कोई जो मेन मुद्दा आप देखिए इस वीडियो का, कि जेकर कोई रस्ते तो भटकया होया ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਐ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣ ਕੇ, ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਯਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਸਾਇਆ ਵੀ ਵਾਧੂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਲਾਨਾ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਯੈਸ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾ ਗਏ ਔਰ ਹਸਾ ਵੀ ਗਏ। ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਔਰ ਨੋਟ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ
ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਐਂਡ ਸੱਚ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੱਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰਾ ਮਾਇੰਡ 'ਤੇ ਜੋ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪੂਰੀ ਕੈਂਡ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਫਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਲਮ, ਯਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਫਲੋਪ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੀ ਕੇ, ਦੰਗਲ, ਤਲਾਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿਰਾ ਪੂਰੀ। ਯਾ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਥਗਸ ਆਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੋ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਘੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਕਰੀਨ ਪਲੇਅ ਦੀ, ਸਟੋਰੀ ਦੀ, ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ, ਡਾਇਲੋਗ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਈ ਐਮ ਸਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨੈਪਚੈਟ ਆਈਡੀ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 100% ਚਾਂਸਸ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਕਲੈਨ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਮਾ ਉਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੇਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਤੇ, ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਨਾ ਐਕਸੈਂਟ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿੱਠੇ।